हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ दीपक गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की एक बहुत ही फेमस रेसिपी जिसका नाम है गट्टा करी। इसके लिए हमें चाहिए होगा जीरा, साबुत धनिया, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सौंफ का पाउडर, नमक, दही, गार्लिक, बेसन, टमाटर, प्याज। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे लगभग 2 चम्मच, और जब तक ये तेल गरम हो रहा है हम गट्टा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे बेसन लगभग 3 से 4 चम्मच, और उसमें हम डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा साबुत धनिया क्रश करके, थोड़ा जीरा, थोड़ी कसूरी मेथी, इसमें हम डालेंगे थोड़ा धनिया पाउडर, हींग, थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च, सौंफ का पाउडर। हम इसमें मिलाएंगे ऑयल लगभग 1 चम्मच, और इसे हमें अब मिक्स करना होगा। इसमें हम डालेंगे पानी, आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हमें इसको रोल बनाना है जैसे गट्टा होता है, और इसको हमें इस तरह से रोल आउट करना होगा। ये तैयार हो चुके हैं, इसे हमें उबालना होगा लगभग 10 से 15 मिनट तक। जब तक गट्टे उबल रहे हैं हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तेल भी गर्म हो चुका है हमारा। इसमें हमें सबसे पहले डालना होगा जीरा लगभग 1/4 छोटा चम्मच, थोड़ा साबुत धनिया, 2 से 3 क्लोव्स गार्लिक की। अभी हम इसमें डालेंगे अनियन। ये देख सकते हैं आप, जो हमारे गट्टे हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, उनको हम निकाल लेंगे। हम इन गट्टों को फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इन पे कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये हमारी प्याज भी बहुत अच्छे से भुन चुकी है इस टाइम पर। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर लगभग 1.5 चम्मच छोटा, थोड़ा हल्दी पाउडर, क्योंकि दोबारा भी इसमें हल्दी पाउडर डालने वाला है, और इसको पानी डाल के हम भूनेंगे। जब तक ये मसाले भून रहे हैं हम इसके लिए एक मिश्रण तैयार करते हैं जो कि हमें गट्टे में डालना है। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन लगभग 1 चम्मच, उसमें डालेंगे हम कर्ड लगभग 1 कप, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, हींग, थोड़ी कसूरी मेथी। इसको हमें करना होगा विस्क। ये हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है इस टाइम पर। अब जो हम मसाला पका रहे थे उसमें हम डालेंगे थोड़े टमाटर, और ये जो हमने मिश्रण तैयार किया था इस मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालते हैं थोड़ा नमक स्वादानुसार। इसको 15 से 20 मिनट पकाएं। हम इसमें मिलाएंगे गट्टे। गट्टे डालने के बाद इसको पकाएंगे 5 से 7 मिनट, ताकि गट्टे अंदर तक से सॉफ्ट हो जाएं। लीजिए, तैयार है हमारी गट्टा करी, सर्विस के लिए बिल्कुल तैयार। इसको हम गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिया से, थोड़ी हम इस पर डालेंगे कसूरी मेथी। घर पे ट्राई करें, पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें। अगली बार फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने एक नई डिश लेके। तब तक के लिए नमस्कार।